नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम इस वीडियो में सभी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जो परीक्षा परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो CBT परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। अपनी जो जिला वाइज CBT परीक्षा परिणाम की लिस्ट है वो देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या है जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो ये प्रेस नोट साथ में जारी किया गया है। कांस्टेबल भर्ती 2023 हेतु विज्ञापित 3578 पदों ये भर्ती ली गई थी और इसके लिए जो सूचियां हैं CBT परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की सूचियां विभाग की जो वेबसाइट है www.police.rajasthan.gov.in पर क्या है अपलोड है वो कर दी गई है। इसके अलावा जो कंप्यूटर आधारित CBT में सफल रहे चालक, घुड़सवार, कांस्टेबल, बैठ के आवेदकों की दक्षता परीक्षा शीघ्र ही रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। तो ये जो आपकी दक्षता परीक्षा है कांस्टेबल के लिए वो भी क्या है जल्द से जल्द क्या है जारी करवाई दी जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र पृथक से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा दक्षता परीक्षा यानी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है आपका के आयोजन के उपरांत विज्ञापित पदों के विरुद्ध पदवार एवं जिला यूनिटवार चयन की कार्रवाई की जाएगी। पदवार वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला यूनिट कार्यालय स्तर पर जारी की जाएगी। चयन उपरांत कट ऑफ मार्क्स एवं भर्ती संबंधी अन्य सूचना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु संबंधित जिला यूनिट कार्यालय में संपर्क है वो स्थापित कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। पुलिस विभाग की वेबसाइट को आधिकारिक सूचना के लिए नियमित रूप से चेक करते रहें। CBT में सफल अभ्यर्थियों की सूची साथ में संलग्न है, यानी सभी जो जिला वाइज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी सूची है वो जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी CBT में पास हुए हैं उन सभी को क्या भी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। ये देख सकते हैं 3/9/2024 आज ही का ये प्रेस नोट है वो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया है और उसके अनुसार जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। बात करें इसके परिणाम की, जो 40% है उन सभी को क्या है भी पास किया गया है। 40% अभ्यर्थियों के लिए लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, यानी जो फाइनल जिला वाइज लिस्ट है जो फाइनल मेरिट बनेगी जिला वाइज लिस्ट की वो अलग से जारी की जाएगी। प्रोफेशनल टेंस के टेस्ट के माध्यम से भी क्या है जो अलग आपका आगे आयोजित करवाया जाएगा, ये इस प्रेस नोट में क्या है भी दिया गया है। पहले क्या है जो CBT परीक्षा परिणाम है इस प्रकार से सूची दी गई है, रोल नंबर दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, ये भरतपुर की है देख सकते हैं आप। एक बार आपको सूची दिखा भी देते हैं किस प्रकार से आपकी सूची है वो जारी हुई है। ये आपके इस प्रकार से क्या है सूची दी गई है, कांस्टेबल भर्ती 2023 CBT परीक्षा परिणाम जिला भरतपुर, नॉन TSP, रोल नंबर दिए गए हैं, नेम दिया गया है और फादर्स नेम, तो ये सभी और इसके सभी के रोल नंबर है। जैसे ये भरतपुर की देख सकते हैं आप, इसमें आपके क्या है 541 जो नाम है वो भरतपुर के दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो ये लिस्ट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल CBT एग्जाम 2023 के परीक्षा परिणाम की जारी है वो कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दिया है जो फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट है वो अलग से जारी किया जाएगा जिले वाइज, लेकिन फिलहाल जिनका भी जो अभी CBT परीक्षा परिणाम में जिनका भी चयन हुआ है नाम हुआ है उन सभी को क्या भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं फाइनल अंतिम चयन के लिए।